हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया एकदम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 का, और जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। यस, वर्नियर कैलिपर्स मतलब ये वो डिवाइस है जिससे हम छोटी से छोटी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर डिस्टेंस हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन स्केल एक लिमिट तक मेजर कर सकती है, उससे छोटा एक स्पेसिफिक लिमिट है, उससे छोटा स्केल मेजर नहीं कर सकती। लेकिन ये जो हमारे वर्नियर कैलिपर साहब है, वर्नियर एक साइंटिस्ट का नाम था ना, उन्होंने एक स्केल बनाई थी जिसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर, 1631 में बनाई थी शायद, है ना। तो उस स्केल की मदद से हम छोटे से छोटा नंबर को मेजर कर सकते हैं। अब वो कितना छोटा होगा वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे। किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना होगा वो उतना छोटा नंबर मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, तो वन मतलब सेंटीमीटर से नीचे का मेजर नहीं कर सकता। तो किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे का मेजर नहीं कर सकता वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो खैर, हम बात करने वाले हैं आज वर्नियर कैलिपर की, एक कैसे कैसे काम करता है और कैसे छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है। तो बने रहना मेरे साथ, मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास अकेडमी। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करें और देखें भाई। तो बात क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर, तो होता कैसा है देखने में। देखो ये मेरे पास, तो देखो ये है मेरे पास वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर कैसा होता है देखो, इसके मेनली तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट। पहला मेन स्केल, मेन स्केल कौन सी है, ये वाली, ये मेन स्केल होती है। सेकेंड क्या होती है, स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल कौन सी, देखो ये जो स्लाइड कर रही है, देखो मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ इसे, ये ऐसे ये आ रही है इस पहिए से, इस व्हील की मदद से क्या हो जाती है, देखो इस व्हील की मदद से क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। तो ये होती है क्या, स्लाइडिंग स्केल। और एक होती है क्या, मेटलिक स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है या ये जो स्ट्रिप है, ये सब मेटल की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। अब ये कहाँ, ये कैसे मेजर होते हैं, मतलब इससे हम कैसे किसी भी चीज का डायामीटर हुआ, हाइट हुई या लेंथ हुई, सब चीजें मेजर कर सकते हैं। तो यूज क्या हुआ वर्नियर कैलिपर का, कि ये क्या कर सकता है, किसी छोटी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है, किसी भी बॉल का डायामीटर मेजर कर सकता है, किसी भी बॉल का इंटरनल डायामीटर मेजर कर सकता है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हाइट, किसी भी डिवाइस की हाइट या डेप्थ मेजर कर सकता है। देखो डायामीटर के लिए तो ये है, यहाँ पे मैं मान लो इसका डायामीटर मेजर करना है तो मुझे इसे यहाँ पे फांसना पड़ेगा। मान लो मैंने इसे यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके फांस दिया, यहाँ पे स्ट्राइक करा दिया कुछ इस तरह से, ये इसका सेंटर मार ढूंढ लो ना भैया, ये हुआ। तो यहां से मैं इसका डायमीटर मेजर कर सकता हूँ आराम से रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब रीडिंग कैसे लेनी है, ये यहां सीखना है। अब देखो ये जो स्केल में रीडिंग आ रही है, इन रीडिंग की हेल्प से हम इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रीडिंग कैसे मेजर करनी है वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू, है ना। दूसरी चीज क्या होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। देखो ये वाले जॉ जो है, ये वाले जॉ ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये कटोरी है कोई, इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो क्या करेंगे, देखो यहां से हम इसे ऐसे अटका देंगे, ये इस तरह से यहां से इंटरनल डायमीटर मेजर हो जाएगा, इसका रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे इस स्केल पे, और यहां से हम स्केल से रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाती है, इसकी हाइट या डेप्थ। मान लो मुझे इस कप की डेप्थ मेजर करनी है, इस कप की डेप्थ मेजर करने के लिए मैं नीचे करूंगा इसे, और नीचे लेके जाऊंगा ये जो स्ट्रिप दिख रही है छोटी सी, ये वाली, इसे नीचे ले करके रीडिंग ले लूंगा यहाँ पे, यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं, तो आराम से डेप्थ मेजर हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी डिवाइस की डेप्थ हाइट ये तो मेजर हम स्केल से भी कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन एक बहुत छोटा सा होल है ना, वहां स्केल नहीं जाएगी तो कैसे मेजर करोगे, वहां वर्नियर कैलिपर का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत छोटी सी लेंथ है, उसे कैसे मेजर करोगे, वर्नियर कैलिपर का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का साथी और हमारी मुश्किलों का समाधान क्या है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, है ना, ऐसे करते हैं ना टेलीविजन में। चलिए खैर, तो यहां हम बात करेंगे किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स कब इन्वेंट हुआ था, ये 1631 में इन्वेंट किया गया था, वर्नियर पेरे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट कर दिया था भाई, उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, और सब जानते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है, तो वहां जरूरत पड़ी हुई उन्होंने कुछ छोटी डिस्टेंस मेजर करने की, कर नहीं पाए होंगे तो उन्होंने भैया लो कर दिया काम, तुम्हारी एक प्रॉब्लम और बढ़ा दी, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। अरे बात तो ठीक है,
लेकिन यहाँ करना क्या है हमें, हमारी मुश्किलों को सॉल्व भी तो करते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं ना। तो खैर क्या काम है इसका, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर फॉलोइंग फॉलोइंग थिंग्स। नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकता है। नंबर टू, डेप्थ, डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई डेप्थ मेजर कर सकता है और क्या कर सकता है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ ए बॉल, कैसे डायामीटर मेजर कर सकता है, बोथ इंटरनल और इंटरनल भी मेजर कर सकता है, इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर भी मेजर कर सकता है, ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। इस चीज़ की औचक फोर्थ चीज़ क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, EIGHT, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या मेजर कर सकता है, हाइट मेजर कर सकता है। तो ये फॉलोइंग क्वांटिटीज़ है जो वर्नियर कैलिपर से मेजर की जा सकती है। अब ये क्वांटिटीज़ तो दिखाई दे रही होगी तुम्हें कि मेजर कर सकते हैं, मेजर करने का क्या तरीका है और किस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है, ऐसा क्या चीज़ है इसके अंदर जो इतनी एक्यूरेसी के साथ ये लेंथ डिस्टेंस, मतलब लेंथ डेप्थ हाइट डायमीटर मेजर कर सकता है। तो यही बात करनी है हमें, यहाँ मेनली दो स्केल का काम है, एक तो मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल के डिवीजन जो होते हैं वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से एक ज्यादा होता है, जनरल वर्नियर कैलिपर की बात करें तो। यहाँ क्या होते हैं देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, उसके कंस्ट्रक्शन तो किस किस से मिलकर बना है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ तो तुम्हें दिखाया तो था मैंने, तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है मेनली। कौन कौन सी स्केल, देखो ये है वर्नियर कैलिपर, एक तो मेन स्केल, एक स्लाइडिंग स्केल और एक मेटालिक स्ट्रिप, इन तीन चीजों से मिलकर बना है। तो बात करूं, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। नंबर फर्स्ट क्या होता है, मेन स्केल। नंबर सेकंड पार्ट होता है क्या, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और नंबर थर्ड पार्ट होता है हमारे पास क्या, मेटालिक स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप। ये भाई हमारे पास मेन पार्ट होते हैं तीन इसके वर्नियर कैलिपर के। मेन स्केल में क्या होता है, मेन स्केल में डिवीजन होते हैं कुछ इस तरह के, एक मेन स्केल होती है ऊपर है ना जो फिक्स होती है, और इसमें कुछ डिवीजन होते हैं इस तरह से, यहाँ से जीरो है मान लो ये, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये इस तरह से यहाँ तक हो जाते हैं। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 और ये 5, ये मेन स्केल रीडिंग कहलाती है, मेन स्केल डिविजन्स है ये, और मेन स्केल डिविजन्स के हेल्प से हम मेन स्केल की रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा, वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर कुछ नीचे वाली वर्नियर स्केल की, हाँ तो वर्नियर स्केल छोटी होती है और नीचे होती है, सब जानते हैं। अब इसके जो डिवीजन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे थोड़े कम होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जीरो से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। कहने का मतलब ये है कि जो मेन स्केल के डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से एक ज़्यादा होता है, मतलब अगर मेन स्केल में डिवीजन है 9 तो वर्नियर स्केल में डिवीजन क्या होंगे, 10 होंगे, मतलब हाँ एक कम होता है, मैं ज़्यादा मैं गलत बोल गया, 9 नहीं होते वर्नियर मेन स्केल डिवीजन में, 10 नहीं होते वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन में, 9 डिवीजन होते हैं मेन स्केल डिवीजन में और 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन में, और वो जो ऊपर वाले 9 है वो नीचे वाले 10 को एडजस्ट करते हैं, मतलब दोनों सेम स्पेस में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो जो ऊपर वाले हैं ये ऊपर वाले ये तो मेन स्केल डिवीजन है, और ये नीचे वाले हैं छोटे छोटे नीचे वाले ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। अब वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़े ज़्यादा होते हैं मेन स्केल डिवीजन से, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ देखो, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिप है, मेन स्केल स्ट्रिप है ना, मेन स्केल
ये भैया हमारे पास मेन स्केल की स्ट्रिप है, ठीक। अब यहाँ पे ये इस तरह से है। अब ये तो जीरो है, ये वन है, मतलब ऊपर लिख दूं मैं, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से है भैया ये। अब यहाँ पे जो हमने ली है वन स्केल डिवीजन, वो यहाँ से कुछ इस तरह की है कि नाइन ही आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे आ जाएंगे, मतलब ऊपर वाले 9 और नीचे वाले 10 होंगे, VSD है। और ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक। या ऊपर वाली क्या है, मेन स्केल है, और नीचे क्या है, वर्नियर स्केल। तो ये हमारे पास डिवीजन्स होते हैं। मैंने बताया डिवीजन क्या होते हैं, जो 10 मेन स्केल डिवीजन होते, 9 मेन स्केल डिवीजन जो होंगे वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होंगे। 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होंगे। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसके मेन स्केल में कितने डिवीजन है वो देखो, उसके वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है वो देखो। एक मेन स्केल के डिवीजन को एक वर्नियर स्केल के डिवीजन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें लीस्ट काउंट मिलेगा, मतलब उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता। बात भी सही है, मतलब ऊपर वाले में डिवीजन है 9, नीचे वाले में डिवीजन है 10, और 9 10 को क्या कर पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो जो 10 माइनस 9 होगा तो लीस्ट काउंट कितना मिला, 1, है ना, 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम ऐसे आराम से कर सकते हैं भाई मेजर, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ। तो खैर, ये हमारे पास मेन है क्या, वर्नियर कैलिपर का सारांश। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो थोड़ी सी और बातें करते हैं इसके बारे में, लीस्ट काउंट की बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट, अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजरमेंट विच कैन ए वर्नियर कैलिपर रीड्स, विच कैन ए वर्नियर कैलिपर रीड्स इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। निकालते कैसे हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल के डिवीजन में से वर्नियर स्केल के डिवीजन को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें लीस्ट काउंट मिल जाएगा किसी भी वर्नियर कैलिपर का, ठीक है बात यहां। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, लेट एन वी एस डी, मान लो वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है वो एन है, एन डिवीजन्स आर इन वर्नियर स्केल एंड एम डिवीजन्स डिवीजन्स आर इन मेन स्केल। वर्नियर स्केल में जो एन डिवीजन है, एम डिवीजन मेन स्केल के बराबर है। अरे बात लिखी तो है 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, तो मतलब अगर मैं बात करूं, एम एम एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, एन वी एस डी, बात सही है। अगर मैं ऐसे निकाल लूं, 1 VSD निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, एम अपॉन एन इंटू एम एस डी, ये आ जाएगा मेरे आराम से। इस 1 VSD की वैल्यू ऊपर पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सर। तो लीस्ट काउंट कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 1 MSD माइनस एम अपॉन एन एम एस डी, यहाँ से कॉमन लो, एम एस डी ब्रैकेट 1 माइनस के एम अपॉन एन। लो भैया यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का मेथड मिल चुका, फॉर्मूला मिल चुका। अब अगर हमें किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर करना है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन कितने हैं वो यहाँ पुट करो, 1 माइनस के एम अपॉन एन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं मेन स्केल में, और नंबर ऑफ डिवीजन किस में है, वर्नियर स्केल में। आराम से वैल्यू यहाँ पुट करके हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा किसी भी वर्नियर कैलिपर का, लीस्ट काउंट तो निकाल सकते हैं आराम से। अब जब वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो कुछ एरर्स तो आनी स्वाभाविक है ना, एरर तो आएंगी। मैंने बताया था एरर एनालिसिस चैप्टर में, याद है, एरर एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी क्या, क्या अभी तक नहीं देखी, अरे ऊपर आई बटन है,
क्लिक तो करो, जाकर के देख तो लो, वहां से आज पता चल जाए तुम्हें कुछ चीजें, क्योंकि वो देख कर क्या हो तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब यार देखो, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो एरर है वो तो आनी ही आनी है, चाहे कितना ही प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लो तुम। तो एरर जो आएगी वो कौन से एरर होगी? तो देखो यहाँ दो टाइप के एरर होती है, पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर। क्या होती है? एक तो पॉजिटिव एरर होगी और एक निगेटिव एरर होगी। पॉजिटिव एरर कब आकर होगी, निगेटिव एरर कब आकर होगी, इसकी बात हम यहाँ करते हैं। चलिए भाई, तो बात अगर हम करें यहाँ किसकी, एरर्स इन वर्नियर कैलिपर। क्या चीज? एरर्स इन वीसी वर्नियर कैलिपर। तो क्या है भैया, देयर आर टू टाइप ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स इन वीसी। वीसी में दो तरह की एरर होती है। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एरर, नंबर टू निगेटिव एरर। निगेटिव एरर। अच्छा, पॉजिटिव एरर क्या होती है, निगेटिव एरर क्या होती है? देखो, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से अगर आगे है, राइट साइड में है, तो पॉजिटिव एरर है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव एरर है। मतलब देखो यहाँ, जैसे मान लो ये पर हमारे पास है मेन स्केल, ये हमारे पास क्या है भैया, मेन स्केल। ये मेन स्केल का जीरो हुआ, 1 2 3 4, ये आया एक, 1 2 3 4, ये आया एक, 2 3 4, ये आया है। ये तो मेन स्केल का जीरो है। अगर हम पॉजिटिव एरर की बात करें, देखो यहां अब क्या किया हमने, इसके जीरो को यहां लिख दिया, लो भैया अब इसका जीरो ये है, यह है वी एस और यह है एम एस। अब जो मेन स्केल का जीरो है वो आगे है, वर्नियर स्केल का जीरो इससे थोड़ा पीछे है, मतलब राइट साइड में है। तो जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। ये जो जीरो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कैसा है, उसका जीरो दिखाई दे रहा, साफ साफ दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव एरर का सिंबल है, पॉजिटिव एरर की पहचान है। लेकिन अगर मैं निगेटिव एरर की बात करूं तो क्या होगा, यहां से यहां ले लो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखना है। ये है भैया, ये जीरो, ये वन, ये टू, जो भी। अब यहीं से वर्नियर स्केल देखो, ये वन, ये टू। तो देखो ये जीरो कहां पे, लेफ्ट साइड में, ये जीरो कहां पे, राइट साइड में। तो मतलब कैसा है, निगेटिव एरर है ये निगेटिव एरर और ये पॉजिटिव एरर। तो काउंट कैसे की जाएगी, रीडिंग कैसे ली जाएगी? तो वर्नियर कैलिपर के रीडिंग लेने का जो तरीका होता है वो देखो यहां, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के रीडिंग लेने का तरीका देखो क्या होता है। देखो वर्नियर कैलिपर के रीडिंग लेने का सिंपल तरीका है, रीडिंग की अगर मैं बात करूं, रीडिंग तो रीडिंग लेने का तरीका होता है क्या, रीडिंग ऑफ एम एस आर प्लस रीडिंग ऑफ वी एस आर। मतलब मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग तो ऐसे लिखो, मेन स्केल रीडिंग तो ऐसे ही, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू जो वर्नियर स्केल की डिजिट में जो नंबर कॉन्साइड कर रहा है। क्या लिखेंगे, कॉन्साइडिंग नंबर इन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसे हम रीडिंग ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव एरर के लिए क्या लिखेंगे रीडिंग, अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू वही एम एस आर प्लस पी एस आर, ये तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ। और निगेटिव एरर के लिए बस आगे क्या लग जाएगा, माइनस लगा दो, एम एस आर और प्लस वी एस आर, बस माइनस का खेल है। माइनस लगा दोगे तो निगेटिव एरर आ जाएगी, वरना पॉजिटिव एरर तो है ही। अब इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं हम कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, और कैसे उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं रीडिंग लेने के लिए, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए। ठीक है ना, तो
तो क्वेश्चन कहने पर हम कुछ चीजों को समझते हैं। चलो तो ये वर्नियर कैलिपर्स था भाई, ध्यान से समझ लेना, दोबारा वीडियो देख लेना चाहे, और सब कुछ आता हो तो 1.5 की स्पीड में देख लेना, दिक्कत मुझे कोई नहीं है ना, आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। चलो भाई तो देखो हमारे पास तो बात, चलो भाई तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा गया है फाइंड रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताने को कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन बना करके दिया गया है, ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, ये है ना, इसमें यहाँ से स्टार्ट है 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ ये 10 ही अपना। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया दूसरा, यहाँ ये तो ये यहाँ तक पहुँच पाया, ये भैया क्या ये था 0, ये था 0.5, ये था 1। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ आया है ना, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, ये यहाँ का आया 10, सही है भैया, ये है। अब हमें रीडिंग पता लगानी है, इसका 0 ये है, अब हमें क्या पता लगानी है रीडिंग। अब रीडिंग ये इसका 0 ये है भैया, ये बोली ना, ये है इसका 0, हमें रीडिंग पता लगानी है इसकी। ये वर्नियर देखो, दो स्केल है यहाँ, तो ये मेन स्केल है, ये कौन सी स्केल है मेन स्केल, और ये कौन सी स्केल है वर्नियर स्केल। अब रीडिंग पता लगाना, रीडिंग पता लगाने का तरीका क्या है, रीडिंग होती है आर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसे एक्स कह दो रीडिंग के लिए, ठीक है भैया। मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग होती है जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का जो 0 है उससे पहले जो मेन स्केल में रीडिंग आ रही है वो देखो, वर्नियर स्केल का 0 कहाँ है यहाँ, इससे पहले मेन स्केल में क्या है 0 ही है, अरे 0 यहाँ है ना वर्नियर स्केल का, इससे पहले मेन स्केल में 0 कहाँ है, मतलब 0 नहीं, वर्नियर कैलिपर के 0 से पहले मेन स्केल में देखना है, तो वर्नियर कैलिपर का 0, वर्नियर स्केल का 0 है ना, इससे पहले मेन स्केल में क्या आ रहा 0 ही तो आ रहा, तो मतलब MSR क्या होगा 0 प्लस वर्नियर कैलिपर क्या लीस्ट काउंट इनटू क्या कॉइंसाइडिंग नंबर, कॉइंसाइडिंग नंबर दिख रहा होगा साफ साफ तुम्हें। अच्छा लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल टू दी नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, तो क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल, पर एक बार लिख रहा हूं मैं यहां है ना, बाकी तुम्हें याद रखना है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल इनटू कॉइंसाइडिंग नंबर क्या है वर्नियर स्केल में 5, तो 5 लिख देंगे यहां। तो देखो भैया क्या है स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिनी स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, 1 1 का डिवीजन है तो 1, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल कितने होते हैं 10, तो 10 इनटू 5, तो कुल मिलाकर के क्या आया 0.5 सेंटीमीटर, ये रीडिंग हो गई किसकी वर्नियर स्केल की। देखो बात साफ है मेन, अब तुम कहोगे सर लीस्ट काउंट आपने ये बताया है, क्या लीस्ट काउंट क्या बताया था मैंने 1 MSD - 1 VSD, बात यही है, देखो दो होते हैं फॉर्मूले, एक तो ये एक ही है, अब ये आया यही सही है 1/N(MSD), ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों मैं बताता हूं, देखो लेट कंसीडर करो एन डिविजन किस में है वीएसडी में, तो एमएसडी में कितने होंगे एन से थोड़े कम होंगे, कितने कम एक कम, अगर एन डिविजन वीएसडी में है तो N-1 डिविजन तो एमएसडी में होंगे ना, होंगे मेन स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो एक कम होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से,
ये तो पता है कि ऊपर वाले नाइन नीचे वाले टेन को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर एन इन वी एस डी है देन एन माइनस वन किस में होगा, इन मेन स्केल। ठीक, तो वही बात, एन वी एस डी इज इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी। बात ठीक है ये। अब क्या करो, यहां से वन बी एस डी निकाल लो, क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एम एस डी, वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा भैया, वन एम एस डी, तो ऐसे ही माइनस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एम एस डी। एम एस डी ले लो कॉमन यहां से, तो अंदर क्या बचेगा जरा बताना मुझे, वन माइनस के एन है ना, प्लस वन अपॉन एन, इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बचा, एम एस डी ब्रैकेट एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा, एम एस डी इंटू वन अपॉन एन। तो वही है देखो, सेम टू सेम। तो कुल मिला के डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू दी नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, ये लिखा भी है, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, और करते हैं, देखो मिटा दूं इसे। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है, एन प्लस वन डिविजन्स, एन प्लस वन डिविजन्स ऑन वी एस डी वर्नियर स्केल आर इक्वल टू, किसके इक्वल गिवन है, इक्वल टू एन डिविजन्स ऑन मेन स्केल इफ वन एम एस डी इक्वल टू ए यूनिट। ये दे रखा है कि एक मेन स्केल डिवीजन ए यूनिट के बराबर है, देन फाइंड क्या, लीस्ट काउंट। तो हमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताना है। बात क्या है देखो, इसमें कहा कि एन प्लस वन डिवीजन है मेन स्केल में, वो किसके इक्वल है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। बात वैसे ये मेन स्केल में एक मेन स्केल का डिवीजन एक कम होता है, तो एन डिवीजन किस में है, एन डिवीजन तो मेन स्केल में है, तो ऑब्वियसली वर्नियर स्केल में ज्यादा होगा, ये दे दिया है हम। तो निकालो भैया, हम जानते हैं क्या, वन एम एस डी हमें गिवन है किसके बराबर, ए के इक्वल है, और हम जानते हैं जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वन वी एस डी माइनस वन एम एस डी। अच्छा, वन वी एस डी कितना है पता नहीं, अब ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो, कंडीशन क्या दे रखी है, एन प्लस वन वी एस डी इक्वल टू क्या होगा, एन एम एस डी। तो यहां से बी एस डी निकालो, वन बी एस डी निकाल लो अगर मैं, तो क्या आएगा, एन अपॉन एन प्लस वन एम एस डी, ये आया भाई हमारे पास, वैल्यू पुट करो ऊपर, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, वन बी एस डी की वैल्यू रख दो, एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन, और एम एस डी पूरे में से क्या ले लिया हमने, यहाँ भी एम एस डी, यहाँ भी एम एस डी, तो एम एस डी कॉमन ले लिया हमने यहाँ। एम एस डी की वैल्यू कितनी है, वन एम एस डी इक्वल टू ए, तो ए ब्रैकेट एन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया, ये यहाँ ऐसे होगा ये, है ना, ये यहाँ हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये उल्टा लिखेगा, वन एम एस डी माइनस वन बी एस डी होता है ना, तो वन है ना एन प्लस वन माइनस एन, ऐसे हम लिया है, ध्यान से देखना, एन प्लस वन, एन से एन कैंसिल, तो क्या आया, ए ब्रैकेट वन अपॉन एन प्लस वन। ये है हमारे पास लीस्ट काउंट, किसका, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, आईआईटी का क्वेश्चन था ये, सही है। अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा जबरदस्त वाला, एरर वाला, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है भैया, यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन यहाँ आएगा, ठीक है, दिखने लगा क्वेश्चन, मैं भी पढ़ लूँ क्वेश्चन जरा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तो पढ़ लेता हूँ और पढ़ के बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डायामीटर ऑफ ए स्टील बॉल, तो क्या है, डायामीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स,
विच हैज डिविजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। तो 1 MSD कितना होगा, मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। बढ़िया बात है। आगे क्या कहा, एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल मैच 9 डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल। मतलब 10 VSD जो है वो किसके इक्वल है, 9 MSD के। बात भी सही है, वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन है 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है कहा है इसने। अच्छा, 3 such measurement फॉर ए बॉल आर गिवन। बॉल के लिए 3 मेजरमेंट दे रखे हैं, कुछ इस तरह के गिवन है। भैया मैं टेबल बना देता हूँ जल्दी जल्दी से, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए। टेबल तो बनी हुई है, मुझे क्वेश्चन करने के लिए बनानी पड़ेगी। डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द आ जाएगा भाई, देखो फिलहाल तो इससे ही काम चला लो, बस कंटेंट से मतलब है तुम्हें तो। तुम लोगों की मेहरबानी रही तो आ ही जाएगा। BS डिवीजन, तो वर्नियर स्केल के डिवीजन है भैया यहाँ मेन स्केल के। मेन स्केल के क्या है, 0.5, 0.5, 0.5, सब सेंटीमीटर में है, 0.5, 0.5, 0.5। अच्छा, इसके कितने हैं, 8, 4, 6, ये टेबल है। आगे क्या कहा, इफ द जीरो एरर। अच्छा, जीरो एरर भी दे दिया भैया, लो जीरो एरर भी गिवन है। कितनी गिवन है जीरो एरर, 0.03 सेंटीमीटर। लो भैया IIT का क्वेश्चन है, ये भी 2014 में आया हुआ है। देन फाइंड द मीन करेक्टेड डायमीटर। क्या फाइंड करना है, मीन करेक्टेड डायमीटर। बॉल का डायमीटर बताने वाले हैं हम, मीन करेक्टेड डायमीटर। तो देखो बात सीधी सी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से कि 1 MSD जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के है, और वो जनरल जो 10 VSD 9 MSD के इक्वल है। अब डायमीटर को मेजर किया गया होगा बॉल के, मैंने बताया था एरर तो आनी है, तो एरर को कम करने के लिए बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो 3 बार मेजरमेंट को रिपीट किया गया और मेन स्केल रीडिंग ये आई, वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ये आई है हमारे पास। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया कि डायमीटर बताओ जो सही से डायमीटर मेजर किया गया हो। सबसे पहले वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट मेजर करते हैं, तो बात करते हैं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट होता क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, वही वाला सिस्टम है। क्या है स्मॉलेस्ट डिवीजन, 0.1 मेन स्केल में, स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन VSD में कितने हैं, 10 दे रखे हैं यहाँ। तो हमारे पास आया 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट तो आ चुका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर निकाल लो, कैसे रीडिंग कैसे करते हैं डायमीटर की। तो हमें पता है, मान लो D1 पहले डायमीटर की बात करते हैं, तो पहले डायमीटर के लिए क्या करेंगे, MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू वही कॉइंसाइडिंग नंबर जो भी है। MSR मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना, 0.01, और डिवीजन कितने हैं ये, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने, 8। अब यहां पे जीरो एरर दे रखी है, तो इस एरर को भी तो करेक्ट करना पड़ेगा, इस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर जीरो एरर नेगेटिव में है तो इतने पॉजिटिव जोड़ दो, मतलब 0.03 नेगेटिव है तो 0.03 पॉजिटिव जोड़ दूंगा, तो जीरो एरर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, एरर तो होगी नहीं ना बिल्कुल भी। तो हमने क्या काम किया, इस रीडिंग में 0.03 ऐड कर दिया उल्टा सब्ट्रैक्ट करने की बजाय, हमने क्या किया इसे ऐड कर दिया उल्टा सब्ट्रैक्ट करने की बजाय। ठीक है ना, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, D1 इक्वल टू क्या आया, सॉल्व करेंगे तो 0.5 प्लस क्या आएगा, 0.01 प्लस 0.03, तो कुल मिला करके 0.5 प्लस 0.11 या क्या आ जाएगा ये, 0.61 सेंटीमीटर। D1 आया पहला डायमीटर लिख, फॉर D2 सेकेंड रीडिंग के लिए सेम टू सेम करना पड़ेगा, क्या है 0.5 मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट 0.01, वर्नियर स्केल कितना 4, और करेक्टेड एरर कितनी होगा 0.03। तो क्या करेंगे, 0.5 प्लस 0.04 प्लस 0.03, तो कुल मिलाकर के 0.5 प्लस 0.07 या 0.57 सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे 4D3। D3 के लिए क्या करेंगे, D3 इक्वल टू 0.5 प्लस सेकेंड क्या है, लीस्ट काउंट 0.01 ब्रैकेट में 6 प्लस 0.03, तो क्या हो जाएगा 0.5 0.06 प्लस 0.03, तो क्या आया 0.5 प्लस 0.09
क्या हो जाएगा, 0.59 सेंटीमीटर। ये तीन डायमीटर है करेक्टेड, अभी आंसर नहीं आया, इनका मीन करेक्टेड डायमीटर निकालना है। तो मीन के लिए लिखेंगे डी मीन इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, यहाँ दिखाई दे रहा नहीं, अरे दिख रहा है नहीं, बहुत जगह है अभी तो, बहुत जगह है। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ इसे निकालने के लिए ऐड करो सबको, 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59। अच्छा इसमें बिल्कुल भी मत छोड़ देना जरा सा भी, यहाँ देख लो जरा, अब ऐड करो भाई ने, 9 7 16 16 17 का 7 1 6 और 5 11 11 और 6 17 पॉइंट लगाया यहाँ, और नीचे क्या आएगा, 3 डी मीन, या डी मीन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 3 5 है ना 15 और 3 9 17 27 सेंटीमीटर। लो भैया ये आया है मीन करेक्टेड डायमीटर, आंसर देखो बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि IIT के क्वेश्चन भी इतना हार्ड थोड़ी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन 3 तो हो गया है, क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लेते हैं जरा जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वही है, क्या दे रखा है, 9 VSD जो है वो किसके इक्वल है, 10 MSD के इक्वल है, गलत लिख दिया क्या, 9 MSD किसके इक्वल है, 10 VSD के इक्वल है भाई, ये दे रखा है। अब हमें किसी लाइन की लेंथ मेजर करनी है, और लाइन की लेंथ को इस हिसाब से मेजर करनी है, तो इसमें लिखा है क्या कि जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज 2.3 सेंटीमीटर अहेड, है ना, 2.3 सेंटीमीटर अहेड ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल से 2.3 सेंटीमीटर आगे है, एंड वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, कोई दिक्कत, एंड द फिफ्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कॉन्साइडिंग साइडिंग विथ वर्नियर स्केल, फाइंड लेंथ ऑफ लाइन, वही रीडिंग बतानी है हमें वर्नियर कैलिपर के, सब कुछ गिवन है, अच्छी बात है। क्या कहा कि जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो कितनी दूरी पर है, 2.3 सेंटीमीटर आगे है, किससे, मेन स्केल से, बात ठीक है। तो हम जानते हैं रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, वही इनटू कॉन्साइडिंग, मतलब यहाँ कॉन्साइडिंग नंबर आएगा, कॉइन साइडिंग नंबर आ जाएगा यहाँ, मतलब कुछ इस तरह से है भैया, ये है मेन स्केल, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, पांचवा डिवीजन है, 1 2 3 4 है ना, और ये है हमारे पास क्या, वर्नियर स्केल। अब पांचवा डिवीजन तो कॉइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल से, ये कर रहा, अब जो इसका जीरो है वर्नियर स्केल का वो कितनी आ गया है, 2.3, 1 2 वही यहाँ है, ये जीरो है इसका, तो हमें पता है रीडिंग का MSR क्या होती है, तो VSD से जस्ट पहले की जो रीडिंग है मेन स्केल की, VSD की जीरो से जस्ट पहले की रीडिंग, तो VSD का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग का जीरो है, इससे पहले की मेन स्केल में देख लो कितनी रीडिंग है दे रखी है, कितनी 2.3 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर एक है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 10, तो 0.1 आ जाएगा लीस्ट काउंट, तो इनटू कॉन्साइडिंग नंबर कितना है, 5, तो कुल मिलाकर के 2.3 प्लस 0.5 तो क्या आएगा, 2.8 सेंटीमीटर, इतनी। अच्छा लीस्ट काउंट निकालना जानते हो ना, वैसे भी दे रखा है 9 डिवीजन, तो क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट 10 है, अरे 1 डिवीजन है ना, और टोटल नंबर ऑफ 10 है, 0.1 सेंटीमीटर यहाँ से आई जाए, कुल मिलाकर के तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।